Hello students, welcome back to my channel Sukriti Edutech. Today we will see question bank on the topic animal. This is the first topic according to the syllabus of class 5 science olympiad. So let us see the questions. So first question is, match the column and select the correct options. Okay, let us see the first question. Match the column and select the correct options. तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम वन एंड कॉलम टू है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कुछ जैसे वेब्ड फीट, ब्लबर, हम, हॉलो बोन्स, ये किसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वी हैव टू फाइंड आउट. तो वेब्ड फीट हेल्प इन स्विमिंग, सो फ्रॉग कैन बी द राइट ऑप्शंस फॉर दिस. तो फ्रॉग इज गो विद पी. P and blubber actually blubber animals living at poles like polar bear, penguin have stored fat under their skin. So blubber is a characteristic features of the animals that live at poles. So poles पर रहने वाले जितने भी animals होते हैं उन्हें अपनी body को warm रखने के लिए एक fatty layer की जरूरत होती है और उसी को हम ब्लबर बोलते हैं. तो पेंगुइन इज करेक्ट फॉर द ब्लबर. नेक्स्ट वन इज हम. व्हाट इज हम? एक्चुअली कैमल्स हैव हम्स ऑन देयर बैक व्हिच हैव स्टोर्ड फैट इनसाइड देम. इन डेजर्टेड एरियाज में क्या होता है कि कैमल्स को सर्वाइव करने के लिए फैट की जरूरत होती है और जो उसकी बैक पर हम्प होता है, तो कैमल इज द राइट ऑप्शन फॉर आर. Hollow bones, as you all know that hollow bones is a characteristic of birds, so S is the right options for this. So this is our right answer for this question. Let us see another question. I swim in water, I lay thousands of eggs without a shell and my baby is called fry. Who am I? So सबसे पहले इनके हम जो भी babies हैं उसको हम देखेंगे. फ्रॉग का बेबी इज टैटपोल. टैटपोल इज द बेबी ऑफ फ्रॉग एंड मैगट इज द बेबी ऑफ हाउस फ्लाई. मैगट इज द बेबी ऑफ हाउस फ्लाई एंड दिस इज फिश. सो व्हाट इज द बेबी ऑफ फिश? द बेबी ऑफ फिश इज फ्राई, इज नोन एज फ्राई. एंड द कॉकरोच के बेबी को हम क्या बोलते हैं? निम्फ. सो this is the answer. So which is the right option? This is the right options for this question. Next question, select the option in which all members are correctly grouped on the basis of their eating habit. So the first group is eagle, tiger, shark. These are all carnivores, so this group is correct. Rabbit, deer, cow. To jo ye group bhi right hai because they are herbivores. चिंपैंजी, बेयर, क्रो, ये भी ग्रुप करेक्ट है बिकॉज दीज आर ओमनीवोरस. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट स्केल्स. तो स्केल्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है? एक्चुअली स्केल्स जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है फिश का, रेप्टिलियंस का. रेप्टिलियंस मीन्स जो भी डेजर्टेड एरियाज में एनिमल्स होते हैं, तो उनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर बॉडी कवरिंग जो होती है वो स्केल्स होती है. तो जो फिश की स्केल्स होती है डिराइव्ड फ्रॉम बोन इन द डीपर लेयर ऑफ द स्किन नोन एज डर्मल लेयर, इज ट्रू. क्योंकि जो फिश की स्केल्स होती हैं वो डर्मल लेयर से ही डिराइव होती हैं, तो इट इज ट्रू. रेप्टिलियन स्केल्स आर डिराइव फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन नोन एज एपिडर्मिस, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Reptilian scales are separate detachable structures. No, this is not true, क्योंकि जो fish के scales होते हैं वो separate detachable structures होते हैं, but reptilians के जो एक sheet में arrange होते हैं वो detachable structure नहीं होते हैं, तो it is not true. So this option is right for this answer. And scales are present on the legs of what? This is also true. तो जो करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, दैट इज द रेप्टिलियन स्केल्स आर सेपरेट डिटैचेबल स्ट्रक्चर्स. सो
सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. स्किन ऑफ क्रोकोडाइल, शेल ऑफ टॉर्टोइस एंड बोनी आर्मर ऑफ आर्माडिलो आर मेड अप ऑफ. तो हम पहले तो ये बॉडी कवरिंग्स देखते हैं. तो स्केल्स है फिश और रेप्टिलियंस की, स्केल्स बॉडी कवरिंग होती है. इसके बाद बोन्स, तो बोन्स कैंट बी द कवरिंग, तो ये भी नहीं है, बोन्स भी नहीं. और क्यूटिकल जो होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी कवरिंग होगी, तो इसका भी ये नहीं है. स्कूट्स, स्कूट्स इट्स द राइट आंसर बिकॉज स्किन ऑफ क्रोकोडाइल, शेल ऑफ टर्टोइस एंड बोनी आर्मर ऑफ आर्माडिलोस आर मेड अप ऑफ. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनएसओ के 2018 में आ भी चुका है. तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. Swati made four groups, each with two organisms with similar kind of covering, but she made one mistake while pairing in one of the groups. Select the incorrect group. तो अब हम body covering के according group को देखेंगे और जो भी इसमें Swati से mistake हुई है उस group को ढूंढेंगे. तो crocodile and snake, this is the right thing because दोनों ही इसकी body जो है वो scales से बनी होती है. तो दिस इज राइट. पैराकीट एंड एमू आर द बर्ड्स, तो इनके बॉडी पे फैदर्स होते हैं. टर्टल एंड क्रेब कम्स इन द सेम ग्रुप एंड पिजन एंड बैट. हियर वी सी दैट पिजन इज अ बर्ड, ये एक बर्ड है और बैट जो है वो एक मैमल है. तो दिस इज द इनकरेक्ट ग्रुप. दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है. तो ऑप्शन डी is the right for the question number 6. Let us move another question. Question number 7. So this question is read the given features of animal X. ये भी question NSO 2018 में आ चुका है. So the features of animal X, जो कि नहीं हमें पता है, हमें इन features जो दिए गए हैं उससे हमें animals को पहचानना है. तो four limbs are adapted for flying. Okay, body is covering with feathers, light and hollow bones and streamlined body. तो जो four limbs है वो flying के लिए किस में adapted होते हैं? Birds में. और किसकी body feathers से cover होती है? Birds से. और light and hollow bones किसका characteristic features हैं? Birds, क्योंकि ये उनको help करता है lightweight होने में. Streamlined body भी उनको fly करने में help करती है. तो फिर जो animal X could be, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. तो इसमें से कौन सा है जो इसमें हो सकता है? तो इसमें पिजन है. पिजन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन भी एनएसओ 2018 में आया हुआ है. तो देखते हैं क्वेश्चंस को. ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग, मोहित मेड फोर ग्रुप्स ऑफ थ्री ऑर्गेनिज्म ईच. In an attempt of doing so, he classified organism incorrectly in one of the groups. Identify the incorrect group. तो हमें इसमें incorrect group को find out करना है. तो हम देखते हैं. तो जो हम देखते हैं, तो इसमें जो first option है हमारे पास वो है tortoise, snail, oyster. Tortoise, snail and oyster. Second one is fish, snake and lizard. And third one is penguin, ostrich, bat. And last one is hippopotamus, whale and cub. तो penguin and ostrich जब हम देखेंगे कि ये सब तो similar group के हैं. fish, snake, lizards में scales होते ही हैं. और penguin, ostrich and bat जब हम इसको देखते हैं, तो penguin and ostrich are birds and so they have feathers. इनकी जो outer covering होती है वो feathers होती है. तो क्योंकि ये birds हैं तो feathers होते हैं इनमें. बट बैट इज नॉट अ बर्ड, बैट इज अ मैमल. तो जब बैट मैमल है तो इसकी बॉडी फैदर से कवर नहीं होती है, बट एक मैमल होने की वजह से इसकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द बॉडी कवरिंग एंड सेलेक्ट द ऑप्शन which satisfy the same relationship. ये question भी NSO 2018 में आया हुआ है. तो देखते हैं जो relationship है इस given box में,
जो कि हमारे पास है पैराकीट, आर्मेडिलो एंड अपसम। तो फिर ये जो है इस इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, ऐसा ही सेम रिलेशनशिप किसका होगा? तो अब हम देखेंगे कि जो पैराकीट है उसमें क्या होते हैं, इसमें पैडल्स होते हैं, और एमेडलोज में क्या होते हैं, इसकी बॉडी के कवर होती है शेल से, और जो लास्ट वन है इसकी जो बॉडी कवरिंग क्या होती है, हेयर। तो यही हमें कॉम्बिनेशन इनमें से किसमें होता है वो हमें देखना है। तो पैट्रेस, टर्टल एंड रैबिट, ये जो तीन है तो इसमें सिमिलर, क्योंकि इसकी बॉडी पर फैदर्स होते हैं, इस पैट्रिस की बॉडी पर फैदर होते हैं। टर्टल में आप सभी जानते हैं, आपने सभी ने टर्टल को देखा होगा, तो वो शेल, उसकी बॉडी कवर रहती है शेल में। और इसके बाद में लास्ट वन जो रैबिट है, रैबिट भी हम सबने देखा है, तो इसकी बॉडी पर जो होते हैं वो हेयर्स। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू रीड अ पैराग्राफ, और ये क्वेश्चन भी हमारा एनएसओ 2018 में आ चुका है। तो एक्स एंड वाई आर एनिमल्स, हमें एनिमल्स के नाम नहीं बताए गए हैं, और उन एक्स वाई एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू द फीचर्स हमें पहचानना है। तो एनिमल्स विच पजेस बैकबोन एंड फ्लिपर्स, जो एनिमल एक्स एंड वाई हैं वो एनिमल्स के पास बैकबोन है और फ्लिपर्स है, एंड ब्रिथ थ्रू लंग्स, और वो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। एक्स लेज एग्स, वेयर उनका जो एक्स है वो एग प्रोड्यूस करते हैं, वेयर इज वाई गिव्स बर्थ टू यंग वंस। तो ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी सभी फीचर्स सेम हैं, बट ये डिफरेंस है कि एक्स एग प्रोड्यूस करते हैं वाइल वाई गिव्स बर्थ टू यंग वंस। तो ये देखेंगे हम कि इसमें जो, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो है वो पजेस बैकबोन, दोनों का बैकबोन प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, और जो दोनों ही लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। पेंगुइन एक बर्ड है दैट लेज एग्स, एंड डॉल्फिन और ये एक बर्ड है, तो ये बर्ड है ये एग प्रोड्यूस करते हैं, और जो मैमल है, डॉल्फिन एक मैमल है, तो ये गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल ऑफ।